हृदय में से तो कोई अच्छा आदमी ही नहीं मिला। तुम अच्छे बन जाओ शायद दूसरे की तलाश पूरी हो जाए। अच्छा तो बनना पड़ेगा, स्वयं अच्छा बन जाओ। आईना देखने का मतलब अपनी समीक्षा करना, आईना दिखाने का मतलब दूसरे के दोष को दिखाना। हमारे समाज में आईना तो सबको दिखाना चाहते हैं लेकिन स्वयं नहीं देखना चाहते। महाराज श्री दशरथ का तात्पर्य है हमें आईना स्वयं देखना चाहिए। तम पश्यमानो नृपति तुतो सब प्रियम आत्मजम अलंकृतम इवात्मानम आदर्श तल संस्थितम। ऐसे देख रहे हैं राम जी को, राम जी पास में आए, पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और महाराज श्री दशरथ ने कहा राघव मैं कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में तुम्हें राजा बनाना चाहता हूं। राम जी सुने, प्रणाम की और चले गए। महाराज श्री दशरथ सोचने लगे मैंने इतनी बड़ी बात राम से कही और राम ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। राम जी ने क्यों कोई प्रतिक्रिया नहीं दी? यहां गोस्वामी जी ने लिखा है राम जी सोच रहे हैं जन्म एक संग सब भाई भोजन सहन केरी लरिकाई करण बीत उपवीत बियाहा संग संग सब भय ऊंचा और बिमल वंश यह अनुचित एकु बंधु बिहाई बढ़ी अभिषेकु। सारे भाइयों का जन्म साथ साथ हुआ, करण वेद संस्कार से लेकर यज्ञोपवीत विद्यारंभ से लेकर समावर्तन संस्कार विवाह संस्कार सब साथ साथ हुए। इस विमल वंश में, इस सूर्य वंश में, इस रघुवंश में क्या यह अनुचित नहीं है कि बड़ा भाई राजा बन जाए और छोटे भाई ना बने? या दूसरा अर्थ है बंधु बिहाई बढ़ी अभिषेकु, पिताजी ने इतनी जल्दी निर्णय क्यों ले लिया? मेरे दो भाई तो अयोध्या में हैं ही नहीं, कहां गए हैं? का गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदानघः। जब विवाह हो रहा था भैया भरत का तो उसी समय मामा युधाजित जी आए थे, कैकेयी अंबा के भाई हैं। पिता का नाम है अश्वपति जो कैकेयी देश के राजा हैं और भाई का नाम है युधाजित। युधाजित जी विवाह में आए हैं और जब वापस जाने लगे तो भैया भरत को भी ननिहाल लेते चले गए। एक बात और है, और जब भैया भरत जाने लगे तो गच्छता मातुल कुलम, मातुल कुल माने मातुल गृहम, यहां कुल का अर्थ गृह है। तो मामा के घर जब जाने लगे भैया भरत तो पीछे पीछे शत्रुघ्न भैया भी गए क्योंकि भरतानुगामी हैं, भरत जी के साथ ही रहते हैं। यहीं से अयोध्या कांड का आरंभ किया। तो राम जी सोचते हैं आज 12 वर्ष बीत गए, भैया भरत ननिहाल में ही है, विवाह के बाद 12 वर्ष के बाद महाराज श्री दशरथ राज्याभिषेक का प्रस्ताव रखते हैं 12 साल से। अच्छा महाराज भरत जी लौटते क्यों नहीं, अभी एक प्रश्न है। एक संत ने इस पर बड़ा सुंदर लिखा है, भैया भरत सोचते हैं कि अयोध्यावासी मुझे भूल जाए और केवल राम को याद रखें, केवल राम को याद रखें। अभी आगे इसका कारण आएगा। आगे जब दोनों भाइयों में चल करके संवाद होगा चित्रकूट में और राम जी कहेंगे भैया मां कैकेयी के विवाह में एक शर्त रखा गया था कि कैकेयी अम्बा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राजा बनेगा, इस शर्त के अनुसार तो आप ही अयोध्या के असली उत्तराधिकारी हो, राज्य शुल्कम, राज्य को शुल्क के रूप में रख करके तो मेरे पिताजी ने विवाह ही किया है। तो भैया भरत सोचते हैं कि मैं इतने दिन निहाल रहूंगा कि अयोध्यावासी मुझे भूल जाएं और केवल मेरे राघव भैया को याद रखें। एक बात और है, आप कथा ठीक से सुनेंगे तो आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं समुचित समाधान मिल जाएगा। और ये कथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की है, जिस वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर के ही संसार में सारे रामचरित्र लिखे गए। तो आप कथा में आए तो बहुत से कथा में लोग जाते हैं, कहते हैं महाराज उस कथा में बैठा तो एक मन में सवाल पैदा हुआ, एक मन में प्रश्न उठा। और मैं कहता हूं ठीक से वाल्मीकि रामायण की कथा सुनेंगे तो आप सवाल और प्रश्न लेकर नहीं जाएंगे, आप उत्तर और समाधान लेकर के वापस जाएंगे। कारण क्या है? हर कारण पर यहां विचार है महाराज। और जब तक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा ठीक से नहीं सुनेंगे तब तक बहुत से प्रश्न आपके जीवन में रामचरित्र को लेकर के अनुत्तरित रह जाते हैं।